हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोमोपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे सिफिलिटिक मियाज़म को डिस्कस करूँगी। तो जैसा कि आपको पता है कि सिफिलिटिक मियाज़म का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिशू, अल्सरेशन ऑफ द टिशू। जहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया वो सिफिलिटिक मियाज़म है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे सोरिक मियाज़म डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सोरा में फंक्शनल डिस्टरबेंस शुरू हुए हैं। ठीक है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, सिर्फ फंक्शन ख़राब हुए हैं और वो फंक्शन रिस्टोर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई, पैथोलॉजी इन द सेंस कि ओवरग्रोथ हुई है या फिर डिस्ट्रक्शन हुआ है। ओवरग्रोथ हुई है तो वो साइकोटिक मियाज़म है, और डिस्ट्रक्शन हुआ है तो वो सिफिलिटिक मियाज़म है। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखनी है कि सोरिक मियाज़म जो है उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको सिफिलिटिक मियाज़म जो है वो क्लियर होने वाला है। और मियाज़म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई पढ़ा नहीं सकता, या फिर बहुत हार्ड टू रिमेम्बर है, या फिर बहुत आपको मतलब वो होती है ना, जद्दोजहद करनी पड़ेगी इसको पढ़ने के लिए। दैट्स नॉट अ थिंग। ये बहुत ईजी हैं अगर आप इनको समझो तो, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं है ये। और मियाज़म क्या होता है अगर आपको ये जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजी है मियाज़म। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सिफिलिटिक मियाज़म जो है उसका पहला जो वर्ड है वो ही ये है कि अल्सरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। तो जहाँ पर भी टिश्यू जो है वो अल्सरेट होने लग गया, डिस्ट्रॉय होने लग गया, वहाँ पर सिफिलिटिक मियाज़म आ गया है। सबसे पहले क्या होगा, फंक्शनल डिस्टर्बेंस होंगे। कभी भी फंक्शनल डिस्टर्बेंस से पहले अल्सरेशन या डिस्ट्रक्शन शुरू नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सोरा हर में है। ठीक है, सोरा इज़ द मदर ऑफ ऑल द मियाज़म, दिस इज़ द लाइन। ओके, तो ये बिल्कुल सही भी है। जब तक फंक्शन डिस्टर्बेंस नहीं होंगे तब तक हम ना तो ओवरग्रोथ देखेंगे और ना ही हम जो है डिस्ट्रक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन डिस्टर्बेंस हुआ, उसके बाद पैथोलॉजी डेवलप हुई। अब पैथोलॉजी यहाँ पे किस तरीके की डेवलप हुई है, या तो अल्सरेशन हुआ है या फिर डिस्ट्रक्शन हुआ है टिश्यू का, तो वो है सिफिलिटिक मियाज़म, जहाँ पे अल्सरेशन और डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। इसके जो मरीज़ हैं वो ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं साइलेंट टाइप पर्सनैलिटीज़। ओके, साइलेंट टाइप पर्सनैलिटी क्या होती है, द पर्सन हु इज़ एनॉयड विद एनीथिंग, मतलब किसी बात से परेशान हुए और किसी को कोई जिक्र भी नहीं किया और सीधे जाके सुसाइड कर लिया। ठीक है, कोई बात थी जो उनको परेशान कर रही थी और जाकर सीधे सुसाइड कर लिया। तो दैट साइलेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दैट गोज़ आउट एंड कमिट सुसाइड, दीज आर द सिफिलिटिक टेंडेंसीज। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कब इनको एग्रवेशन एमलरेशन होता है। तो सिफिलिटिक मियाज़म का एग्रवेशन जो है वो है नाइट। जिन लोगों को भी रात को तकलीफ़ ज़्यादा होती है वो सिफिलिटिक मियाज़म के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, समर एग्रवेशन यानी कि हॉट एग्रवेशन, विंटर एमलरेशन यानी कि कोल्ड एमलरेशन। अब यहाँ पर एक सोरिक मियाज़म से डिफरेंस करने की बात आ गई कि सोरा में जो है एग्रवेशन होता है फ्रॉम दी कोल्ड। ठीक है, सोरा को गर्म चीज़ें पसंद है, गर्म चीज़ों से उसे आराम मिलता है, खाना भी उसको गर्म ही चाहिए, सोरा को उसी से उसको आराम मिलता है। और वो बिल्कुल एसिमिलेशन, लैक ऑफ पावर ऑफ एसिमिलेशन है, या फिर आप ये कह सकते हो कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है उन लोगों को, क्योंकि उनकी बॉडी को पता ही नहीं चलता खाना खाया और कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला, दे ऑलवेज ईटिंग। यहाँ पर हम देखें बिल्कुल उल्टा है सोरा से, मतलब इनको आराम मिल रहा है ठंडी चीज़ों से। सिफिलिटिक मियाज़म जो है वो ठंडा खाना खाना पसंद करता है। ठीक है,
ये आपको बात याद रखनी है कि इनको जो है कोल्ड फूड की डिज़ायर रहती है, ठंडा खाना खाने से आराम मिलता है। तो ऐसे लोग आप अपनी सराउंडिंग में देख सकते हो जिनको ठंडा खाना खाने से आराम मिलता हो, और ऐसे भी आप देख सकते हो जिनको गर्म खाने से आराम मिलता हो या गर्म खाने का मन करता हो। तो जिनको गर्म खाने का मन करता है और गर्म खाने से आराम मिलता है वो है सोरा, वो सोरिक में आज़म के लोग हैं। और जिनको ठंडा खाने का मन करता है या ठंडा खाने से आराम मिलता है, दे आर सिफिलिटिक में आज़म। ओके, अब यहाँ पे है अवर्जन टू मीट। सिफिलिटिक में आज़म में है अवर्जन टू मीट, मीट बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि डिस्चार्ज जो है वो ऑफेंसिव ऑर्डर है, सारे डिस्चार्जेस जो हैं वो ऑफेंसिव होंगे। अब यहाँ पे आपको मैं एक मेडिसिन का नाम बताती हूँ, दैट इज़ मर्क्यूरियस। ओके, मर्क सॉल। मर्क सॉल में सिफिलिटिक मियाज़म है, उसके सारे डिस्चार्ज जो होते हैं वो ऑफेंसिव डिस्चार्ज होते हैं। एग्रवेशन नाइट में है, पूरी रात जो इंसान है वो परेशान रहता है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कनेक्ट द मियाज़म विद योर मेडिसिन, कि इस तरीके से जो है मियाज़म चल रहे हैं दवाइयों में, आपको वो सिम्टम उठाने हैं। नथिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड, हर चीज़ जो है वो बहुत ही सिंपल है। आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये काम की है, ये वहाँ से रिलेट हो रही है, इसका रिलेशन उधर है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज़ माइंड सेक्शन ऑफ द सिफिलिटिक पर्सन। यहाँ पे मैंने हिंदी में इसलिए लिख रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इनके मतलब भी नहीं पता होते, एंड दे ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग ऐसे ही, इसी तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट द मेंटल सिम्टम ऑफ द सिफिलिटिक मियाज़म इज़ स्टबर्न। ज़िद्दी जो लोग होते हैं वो होते हैं सिफिलिटिक मियाज़म के। और बहुत सारे लोग जो हैं हमारी सराउंडिंग में हम देख सकते हैं ऐसे ही होते हैं, ज़िद्द करना जिनकी आदत होती है, अड़ जाते हैं हर बात पे, अड़ियल होते हैं, हठी होते हैं, दूसरों की बातें नहीं मानने वाले। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़िद्दी होते हैं, और आपने कहते हुए भी सुना होगा कि ये तो बहुत ज़िद्दी है, अड़ियल है, एक बार जो ठान लेता है उसके बाद तो कोई किसी की सुनता भी नहीं है। तो ये जो वर्ड है दैट इज़ स्टबर्न, तो ये सिफिलिटिक मियाज़म का सिम्टम है। दूसरा जो मेंटल सिम्टम है वो है सलन। पहला हमने देख लिया स्टबर्न, दूसरा है सलन। सलन का मतलब होता है चिड़चिड़ा और उदासी भरा। बहुत सारे लोग होते हैं जो चिड़चिड़े होते हैं। ठीक है, वट द इरिटेबिलिटी इज ऑल्सो फाउंड इन दी सोरिक मियाज़म। और यहाँ पर भी इरिटेबिलिटी, जो चिड़चिड़ापन है वो है। दे आर सल्की ऑल्सो, जो नाराज़ पर्सनैलिटी होती हैं, हर छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, सो स्टबर्न, सलन, सल्की, ये वर्ड आप बहुत जगह पढ़ते हो बट आप इनके मतलब नहीं देखते हो, या आपके पास टाइम नहीं होता, पता नहीं क्या बात है। तो ये इनके मतलब थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ कंडेमनेशन। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ही बुराइयाँ करते रहते हैं। ठीक है, कि ये काम ऐसे होना चाहिए था लेकिन मैंने ये ऐसे गलत कर दिया। जो जिन लोगों की खुद ही की बुराई करने की आदत होती है, आत्मनिंदा करने की, ठीक है, वो होते हैं सिफिलिटिक टेंडेंसी के। दे आर पॉइंटिंग आउट देमसेल्व्स, एंड दीज आर द पर्सनैलिटी जिन पर आप भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो खुद पर भरोसा नहीं करता आप उन पर बिल्कुल नहीं कर सकते। दे आर वेरी मच मिसट्रस्टफुल। सिफिलिटिक मियाज़म पे कभी भरोसा आप नहीं कर सकते, दे आर मिसट्रस्टफुल पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट है इसका हेडेक सिम्टम। तो इसका जो सर दर्द है वो रात को होता है। सोरिक मियाज़म में जब मैंने सर दर्द डिस्कस किया था तो उसमें मैंने कहा था कि सुबह सर में दर्द शुरू होगा, जैसे जैसे सन पीक पर जाएगा वैसे वैसे सर दर्द बढ़ता जाएगा, फिर सनसेट का टाइम जब आएगा तो सर दर्द भी कम होने लग जाएगा। हेडेक इंक्रीजेस एंड रीचेस पीक
एंड देन डिक्लाइंस अकॉर्डिंग टू सन। जैसे सन जो है बढ़ रहा है वैसे वैसे सरदर्द बढ़ेगा, सन घटने लगेगा वैसे वैसे सरदर्द कम होने लगेगा। ये सिम्टम था सोरा का। अब आप देख सकते हो इसमें नाइट एग्रवेशन है हेडेक का भी, सारी कंप्लेंट जो है नाइट में एग्रवेट हो रही है, सरदर्द भी रात में ज़्यादा हो रहा है और हो कहाँ रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सोरा में फोरहेड पेन था, टेम्पल पेन था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिपिट पेन है। सिफिलिटिक में ऑक्सिपिट पेन है, पीछे सरदर्द हो रहा है। और कल ही मैंने एक दवाई पढ़ी थी, इसमें बैक ऑफ द हेड में पेन है, नेप ऑफ द नेक में पेन है, ऑक्सिपिटल पेन है, दैट इज नेट्रम कार्ब। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ जिनमें ऑक्सिपिट पेन है, द वन ऑफ देम इज ऑल्सो द नेट्रम कार्ब। तो इनके क्या है, पूरी रात सर में दर्द होता रहता है, द हेड एक्स ऑल नाइट, और एग्रवेशन है मोशन से, चलने से, गर्म से, क्वाइटनेस से, रेस्ट से, मतलब चलने और आराम करने दोनों से इसको एग्रवेशन है। रात को एग्रवेशन है, सोने से एग्रवेशन है, और आराम कब मिलेगा, सुबह, या फिर कुछ ठंडा ले लेगा, कोल्ड ले लेगा, कोल्ड थिंग्स ले लेगा तो आराम मिल जाएगा। एंड द सिम्टम दैट इज़ प्रोमिनेंट इज नोज ब्लीड। ठीक है, कि जब नाक बहेगी तो इसको आराम सरदर्द में मिल जाएगा। तो ये जो प्रोमिनेंट सिम्टम है ना, वो हमें पकड़ना है कि नाक बहने से आराम मिला। अब ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिसमें नाक बहने से सरदर्द में रिलीफ मिलता है? मेलिलोटिस एल्बा, एपिस्टेक्सिस गिव्स रिलीफ, एपिस्टेक्सिस बहुत ज़्यादा है और एपिस्टेक्सिस से आराम मिल जाता है तो मेलिलोटिस है। ठीक है, तो ऐसी दवाइयाँ जिनमें सरदर्द आराम मिलेगा जब नाक बहेगी, नक्सीर आएगी, एपिस्टेक्सिस होगा, तो हमको दवाइयाँ खोजनी है। डेफिनेटली इन द बैकग्राउंड ऑफ दैट देर इज सिफिलिटिक मियाज़म। ओके, सोरा तो होगा ही, सिफिलिटिक मियाज़म भी होगा। So that is how we have to read the medicine also in comparison to the miasm. अब यहाँ पे तीन वर्ड लिखे हुए हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं और मैं बताऊँगी कि इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है। एक है बोन पेन। ठीक है, बोन पेन जो है ऑस्टियोनेक्रोसिस हुआ, ऑस्टियोपेनिया हुआ, कुछ भी हुआ जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरे हुआ, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे आ गया अपना सिफिलिटिक मियाज़म। जहाँ डिफॉर्मिटी आ गई यानी कि पैथोलॉजी आ गई और डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ आ गया सिफिलिटिक मियाज़म। सो बोन पेन, सिफिलिटिक मियाज़म, डिफॉर्मिटी, सिफिलिटिक मियाज़म एंड गेंग्रीन ऑल्सो। गेंग्रीन में भी डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यूज़ हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, दांत है, कैविटी हुई, देयर इज डिस्ट्रक्शन, सिफिलिटिक मियाज़म, कैरीज, नेक्रोसिस, सिफिलिटिक मियाज़म, है ना। हेयर फॉल दैट वी थिंक अबाउट द सेलेनियम। ओके, सेलेनियम हैज़ अ हेयर फॉल फ्रॉम द आईब्रोज और इन द विस्की ड्रिंकर्स, ब्रेंडी ड्रिंकर्स। सो देर इज सोरिक मियाज़म एंड द सिफिलिटिक मियाज़म। सो प्रोमिनेंट मियाज़म इज सिफिलिटिक। सोरा तो होगा ही, बट वो उससे आगे बढ़ गया सोरिक मियाज़म से, तो अब वो सिफिलिटिक हो गया। जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, सिफिलिटिक मियाज़म। अगर डिस्चार्ज हो रहा है ऑफेंसिवनेस, सिफिलिटिक मियाज़म। येलो डिस्चार्ज, सिफिलिटिक मियाज़म। मिज़ेरियम, मिज़ेरियम इज़ अ वंडरफुल रेमेडी फॉर दी स्किन हैविंग द डिस्चार्ज दैट इज ऑफेंसिव येलो। सो दिस इज हाउ वी हैव टू रीड द मेडिसिन इन कॉम्बिनेशन विद द मियाज़म। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिफिलिटिक मियाज़म के बारे में बताया है, और इस तरीके से आपको मियाज़म पढ़ने हैं। दैट्स नॉट अ वेरी थिंग दैट इज़ नीड टू बी कॉम्प्लिकेटेड बाय यू, एंड इट इज़ नॉट
अ थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर विद वेरी मच फोकस. दीज आर द टॉपिक्स दैट यू सी एवरी डे इन योर लाइफ. हर तरीके की पर्सनैलिटी आपके सामने से रोज़ गुजरती होगी और वो पर्सनैलिटी में आपको देखना है कि ये इसमें आज़म का, इसमें आज़म का. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल्सो. तो इस वीडियो में मैंने आपको मेंटल सिम्टम्स भी बताए हैं सिफिलिटिक मियाज़म के, और जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स भी हैं वो भी बताए हैं, और किस तरीके से मेडिसिंस में कंपैरिजन है वो भी बताया है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. सिफिलिटिक मियाज़म समझ में आया होगा. अगर आपको सोरिक मियाज़म पढ़ना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे प्रोवाइडेड है. अगर मियाज़म पढ़ना है तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नोमपैथी.